हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल फॉर साड़ी। वेडिंग सीजन चल रहा है तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड, हेयर कलर से रिलेटेड और ऑल हेयर केयर टिप्स से रिलेटेड सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इंस्टा आई डी प्रीति तिवारी 24 है। सिलाई से रिलेटेड और चीजें जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड प्रीति तिवारी 2 सर्च करके डायरेक्ट आप वहां पे जा भी सकते हो एंड देख सकते हो। वहां पे मैं 10 से 12 बजे दिन के टाइम पे लाइव आती हूँ और यहाँ पे मैं 8 से 10 बजे के बीच में रात के टाइम पे लाइव आती हूँ, तो आपको लाइव में भी बताती हूँ और वीडियोज भी शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने डमी का हाफ ईयर लिए हैं मैंने और इस तरीके से रबर बैंड लगा दिया है। फिर से करके बता देती हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अभी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से दिखाई दे। रबर बैंड यहाँ पे फंस चुका है एंड बालों का बहुत बुरा हाल हो रखा है क्योंकि जब मैं नहीं रहती हूँ पार्लर में तो मेरे बच्चे आके इस डमी के बालों के साथ खेलते रहते हैं कि वो लोग भी हेयर स्टाइल बनाते हैं। डमी 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 करते रहते हैं। तो अच्छे से कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद यहाँ पे लेंगे हाफ टू ईयर पार्टीशन बालों की। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी लेंगे। अब हाफ टू हाफ पार्टीशन करके मैंने बालों को ले लिया है यहाँ पे और अच्छे से कॉम कर लिया। कैम लगो करेंगे थोड़ा सा ऊपर ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोग को बालों का हेयर स्टाइल। बीच से इस तरीके से पार्टीशन करनी है, हल्की सी मांग निकालनी है क्योंकि जो आप मांग टीका वगैरह लगाओ तो अच्छा सा लुक आए। और फिर रबर बैंड को लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा बन बनाने वाली हूँ यहाँ पे मैं और मुझे भी नहीं पता कैसा बनने वाला है, बस मैं बनाते जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, इस तरीके से करने के बाद से थोड़ा थोड़ा हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे ताकि जो क्राउन एरिया पे हमारे फ्लैट लुक आ रहा है वो अच्छे से फ्लैट लुक ना रहे और काफी अच्छा दिखे। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे डोनट बन को लगाएंगे पोनी टेल के जस्ट ऊपर इस तरीके से। ओके, उसको सिक्योर करेंगे यूपिन से। उसके बाद हम लोग जो साइड का हेयर है इसको लेंगे बिल्कुल एक दो यूपिन और लगा लीजिएगा ताकि दिखे नहीं जैसे कि अभी निकल गया था। एक यूपिन नीचे फिर लगा लीजिएगा। अब ये पूरा अच्छे से सिक्योर हो चुका है। ओके, अब हम लोग जो एक्स्ट्रा हेयर थे जिन हेयर को हमने नहीं पकड़ा था पोनी में उनको हाफ पार्टीशन करेंगे। तो ये देखिए ये जो पोनी वाला हेयर है इसे हाफ पार्टीशन इस तरीके से कर लिया है। ओके, इस तरीके से आधे आधे बालों को नीचे की तरफ से ले लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ओके, तो इधर वाला हेयर को पकड़ेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे।
फॉर्म करके इस तरीके से लेके जाएंगे। और बिल्कुल आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है हेयर स्टाइल को बनाने में। और ये वाला जो हेयर है उसको नीचे से रखेंगे और फिर से इस तरीके से लपेट देंगे चारों तरफ से और ये फिर से सिक्योर कर देंगे। अब फिर दूसरी साइड के हेयर को लेंगे और अच्छे से कॉम कर लेंगे। कॉम करके साथ के साथ हेयर को अच्छे से मैनेज करते जाएंगे। डोनट बन के ऊपर से ना आ जाए उसके लिए आपको इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना है और फिर यू पिन से सिक्योर कर देना है। काफ़ी प्यारा सा आपका बन बन के यहाँ पे रेडी होने वाला है। अब जो ये हेयर बचे हैं इनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अच्छे से इस तरीके से फैलाएंगे। ओके, फिर ये पिन लेंगे और इस साइड में यू पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के हेयर को लेंगे दूसरी साइड लेके जाएंगे और फिर से यू पिन से सिक्योर कर देंगे। और काफ़ी अच्छा था आपका यहाँ पे बन बन के रेडी होने वाला है। ओके, अब जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको ट्विस्ट कर लेंगे ट्विस्ट करके साइड में ही यू पिन से सिक्योर कर देंगे। दूसरी साइड भी सेम है, इसी तरीके से करना है आपको। और ये ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। तो ये है हमारे बन का जो है फाइनल लुक। और जहां से भी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत दिख रहा होगा बन, डोनट बन, उसको अच्छे से हाइड कर लीजिएगा। उनकी तो मुंडी ही निकल गई। चलो कोई बात नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल? आई होप कि आपको पसंद आया हो और बहुत इजी है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल सबसे पहले देखने के लिए और साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। और जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लगे वहाँ पे आप एक दो यू पिन और ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो यू पिन की मदद से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इस साइड से बहुत अच्छा लग रहा है।